खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लगता है राजनीति में एक बर्दाश्त की सीमा हमें बढ़ानी चाहिए, और जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो सब पर लागू होता है। तो उसके ऊपर ममता बनर्जी ने कहा है कि जय श्री राम जो है वो अकेले एक पार्टी का बिलोंग नहीं करता, बीजेपी से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि एक जो है हिंदुइज्म वेरी लिबरल, और श्री राम को उन्होंने पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया है। बिल्कुल हम सहमत हैं ममता जी से। राम का नाम एक हमारी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, मुझे नहीं लगता कि इसको कैद कर सकते हैं हम कि ये सिर्फ एक धर्म की अभिव्यक्ति है। हम कई इलाकों में जाते हैं जहां हिंदू नहीं है, वो भी हमें राम राम कहते हैं। तो देखिए, अमित शाह को चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए भगवान को एक धर्म में कैद ना करें। लेकिन अभी पीछे एक वीडियो आया था जिसमें ममता बनर्जी जी काफी भड़क गई थी जब लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मुझे लगता है वो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरह से चिढ़ाने के लिए भगवान राम का नाम का भी दुरुपयोग करेंगे, तो वो गलत होगा। प्रियंका गांधी जी ने मध्य प्रदेश में कहा कि इतने बड़े वो डिफेंस एक्सपर्ट हैं मोदी जी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कौन प्लेन मैन्युफैक्चर करेगा, जिसने आज तक कभी प्लेन बनाया नहीं उसको उन्होंने प्लेन मैन्युफैक्चर करने का काम दिया, और उन्होंने सोचा कि बादल बहुत ज़्यादा हैं और रडार में आएगा नहीं। मोदी जी को चाहिए कि कम से कम एक्सपर्ट्स की सलाह माने। आपने देखा राफेल में भी एक्सपर्ट्स अपनी नेगोशिएशन कर रहे थे, मोदी जी ने समानांतर नेगोशिएशन शुरू कर दी, जो बाद में निकल कर आया, जिसका खुलासा बाद में हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली। मोदी जी को हर जगह, कई जगह क्या होता है कि आप राजनीतिक निर्णय लीजिए, लेकिन जहां रक्षा विशेषज्ञ हैं उन पर छोड़ दीजिए वो निर्णय, उसमें भी आप आगे बढ़कर हस्तक्षेप भी करेंगे और फिर अहंकार से भरकर उसका खुलासा भी करेंगे कि मैंने कहा बादल हैं चले जाइए। पूरे विश्व में हंसी उड़ रही है, भारत के प्रधानमंत्री की हंसी उड़े, हम पक्ष में हो या विपक्ष में, ये अच्छी बात नहीं है। तपस्या है, लेकिन जो है मोदी जी के लिए तपस्या ने कुछ खास काम नहीं किया, ऐसा प्रियंका गांधी जी का कहना है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं ऋषि मुनियों के बारे में, और भारत बड़ा समृद्ध है इस मामले में कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है तपस्या की, और उस तपस्या से हमने त्यागा है। क्या त्यागा है? हमने अपनी बुराइयां त्यागी हैं। क्या आपको कहीं से भी मोदी जी तपस्वी लगते हैं? आपको शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था राहुल गांधी जी ने कि सैम पित्रोदा को शर्मिंदा होना चाहिए 84 के दंगों के बारे में उन्होंने जो कॉमेंट किया, तो उसके ऊपर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि आपको शर्मिंदा होना चाहिए राहुल जी। मुझे आप एक उदाहरण दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को उनकी बदजुबानी पर या किसी और नेता की बदजुबानी पे लतेड़ा हो या माफी मांगने को कहा हो। अमित शाह ने कभी मोदी जी से माफी मांगने को कहा? कांग्रेस की विधवा एक टिप्पणी उन्होंने की थी, मैं आपको सिर्फ एक टिप्पणी बता रहा हूं, और ऐसी अनेक अनोई टिप्पणियां हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, मैं सिर्फ मोदी जी की टिप्पणियां बता रहा हूं। आपने सुना अमित शाह ने उनको बोला माफी मांगो? ये बात सिर्फ कांग्रेस में आपको दिख सकती है कि अगर कोई नेता कांग्रेस का गलत बात कहता हुआ पाया जाए, राहुल गांधी उन पर एक्शन लेते हैं, उनसे माफी मंगवाते हैं। मैंने केसी वेणुगोपाल जी का कहना है कि लोकसभा पोल के जब वर्डिक्ट आ जाएगा उसके बाद बहुत सारे बीजेपी के एमएलए जो हैं वो कांग्रेस में। वर्डिक्ट से पहले आपने देखा दिल्ली में उदित राज आए, अनेक जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़े से परेशान भी हैं और व्याकुल भी हैं, तो वो छोड़ छोड़ के अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। वेणुगोपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई एमएलए हमारे टच में हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने नीच रिमार्क को एक आर्टिकल में जस्टिफाई किया है। भाई उन्होंने जो कहा वो उनका अपना ओपिनियन है, वो उस पर स्टैंड करना चाहते हैं, वो आप उनसे पूछिए। बात ये है कि एक दिवंगत प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलते हुए मोदी जी को तो कोई कुछ नहीं कह रहा, तो एक परंपरा बना रहे हैं। और देखिए, देश का राजा संवाद का स्तर, उसका निर्णय देश का राजा लेता है। संवाद के स्तर को मोदी जी ने बहुत ज्यादा गिरा दिया है। तो मोदी सपोर्टर्स से हैंडशेक किया, जब वो जा रही थी उनका कारवां जा रहा था तो किसी ने मोदी मोदी के नारे लगाए मोदी सपोर्टर्स ने, उन्होंने वो उतरी और उनसे शेक हैंड किया और उन्हें ऑल द बेस्ट कहा, बदले में फिर उन लोगों ने भी उन्हें ऑल द बेस्ट कहा। मोदी जी और अमित शाह जी की रैली में काले कपड़े पहनकर जाना उसकी अनुमति नहीं होती, पूरी जांच होती है किसी ने काला कपड़ा तो नहीं पहन लिया।
आप अंतर देख लीजिए, तुलना कर लीजिए, देश को उत्तर मिल जाएंगे।